गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में गाँव में सुबह शाम तुलक सागर एक नाम चुना। दांतों की तरह कठोर नहीं जिह्वा की तरह मुलायम बनने का जीवन में प्रयास करिए। अहंकार अकड़ में जीता है। एक बार क्या हो रहा था, एक बेलनाधार होता है जानते हो, जिसपे रोटी नहीं। अनिल जी तुम बड़ा एक्शन करके बता रहे कि रोज यही काम करते हो क्या? वो यूं करके बता रहे, पत्नी बाजू में है। पत्नी कह रही बताओ ना तुमको क्या सिखाया इतने साल में, क्या बात है, बाल एक भी नहीं है, बहुत अच्छे तुम लगते हो मुझे। फर्क इतना ही होता है कि बचपन में मम्मी हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, जवानी में पत्नी हाथ फेरती है तो बहुत प्यार है तुम दोनों में आपस में, प्यार का प्रतीक है। मेरी तरफ मत देखना, मैंने तो मेहनत से उखाड़े हैं, ध्यान रखना। किसी ने हाथ फेर के थोड़ी उखाड़ा है, ध्यान रखना, विचार करना है, सोचना है। अहम में जीता है आदमी, अकड़ में जीता है। बेलनाधार था, रोटी बेली जा रही थी, वो छोटे छोटे बनाते ना, क्या होता है वो, समझ गए ना, ध्यान रखना। उसको लेकर यूं यूं किया जा रहा था, रोटी घूम रही थी गोल 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 गोल, बढ़ते जा रही बढ़ते जा रही बढ़ते जा रही। उसने तवे से कहा, ओ काले कलूटे, ओ कालिया। तवे ने कहा क्या हुआ? बोले देख मैं कितनी गोरी हूं, मैं कितनी सुंदर हूं, मेरा रूप देखो, तू अपना देख पूरा काला हो रहा है। तवे ने कुछ नहीं कहा, बेचारा चुपचाप, अब काला है तो है, चीकू काला क्या कर सकते हैं, सरनेम काला, अब काला है तो है, अब क्या करे। गोरे बदन पे अकड़ रही थी रोटी, मैं गोरी हूं, मैं कितनी सुंदर हूं, मैं कितनी मुलायम हूं, कितनी सॉफ्ट हूं। उसने कहा देख मैं इतनी सी आई और बिलते बिलते इतनी बड़ी हो गई, और तबे तू देख काले कलूटे जैसा है वैसा ही है, जब से आया है बन के कंपनी से, ना एक इंच बढ़ता है ना एक इंच कम होता है। तू कैसा है, मेरा जीवन देख मैंने कितना विकास किया है। आटे के रूप में आई, लोहे बनी, लोहे बनने के बाद मुझे दबाया गया, फिर बेला गया, मैं इतनी सी से इतनी बड़ी हो गई। तवे ने कहा कोई बात नहीं बहन, मैं क्या कर सकता हूँ। बोले अपनी औकात देख, अपनी जिंदगी देख, आग में तपते रहता है और काला का कलूटा बना का बना रहता है, तेरा भी कोई जीवन है। तवे ने कहा बहन रोटी एक बात सुन जरा दिल से, तेरे जैसी हजारों रोटियां मुझे ऊपर से आके चली गई हैं, ध्यान रखना। एक नहीं, एक तू ही अकेली नहीं, अपनी जिंदगी में तेरे जैसी हजारों रोटियां सेंकी हैं, और जो जो रोटी मुझ पर अकड़ी है ना, मैंने उनकी दुर्दशा थाली में देखी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कि जब थाली में जाती है और तेरे कितने टुकड़े किए जाते हैं, तुझे तोड़ा जाता है, तुझे चार टुकड़े किए जाते हैं, और जिनका दांत ना होना उनके लिए तुझे मसल दिया जाता है। देख गोरी रोटी ज्यादा अकड़ने की कोशिश मत कर, मैं काला हूं लेकिन तेरे जैसी दुर्दशा मेरी होती नहीं है, ध्यान रखना। क्या औकात है तेरी, टुकड़े टुकड़े होते हैं तेरे अहंकार के, तेरी अकड़ के टुकड़े हो जाते हैं। जब भी तू किसी की थाली में जाकर बैठती है, मैं जैसा था वैसा हूं और वैसा ही रहूंगा, ज्यादा मत अकड़ो, ध्यान रखना। किस बात पे अकड़ता है? एक पत्थर था, पहाड़ से गिरा, लुढ़कते 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 गुलाब के पौधे के पास पहुंच गया। कली ने देखा, मुस्कुराई, बोले पागल पागल क्यों दर दर की ठोकरें खाता है? जो आता है वो तुझे लात मारता है, पैर के जूते की नोक से तुझे नीचे लुढ़का दिया करता है, इतनी जिंदगी है। पत्थर कुछ ना बोला, कली अकड़ रही थी, इठला रही थी अपने सौंदर्य पर। एक आदमी वहां से निकला,
उसने देखा पत्थर बहुत सुंदर है, किसी ने उस पर लात मारी, किसी ने जूतों की ठोकर मारी, देखा कि पत्थर सुंदर है, शिल्पी गया उठाया तराशा, भगवान बना दिया पत्थर को। पत्थर आकर मंदिर में विराजमान हुआ, प्रतिष्ठा हुई, और जब मंदिर का वह सड़क का पत्थर भगवान बन गया ना, तो उस कली जो आज फूल बन चुकी थी, एक पुजारी तोड़ता है और पत्थर की मूर्ति के चरणों में लाके रख देता है। मूर्ति फूल को देखती है और कहती है कि देख फूल, कभी तूने मुझे व्यंग किया था ना, कभी मैं तेरे चरणों में पड़ी थी और आज तू मेरे चरणों में पड़ा है, जिंदगी इसी का नाम हुआ करता है, आज तू मेरे चरणों में पड़ा है। अरे देख कली, उस दिन बड़ी इठला रही थी ना कि तेरी क्या औकात है, कली देख तू चरणों में पड़ी है, मैं दुनिया का भगवान बना बैठा हूं, सारी दुनिया मुझे पूजे। जिंदगी कब कस किस्मत कब करवट बदल ले, कोई भरोसा नहीं। ध्यान रखना, हमने सुना है कि रातों रात लाखपति खातपति हो जाते हैं, ध्यान रखना, ज्यादा दौलत पे मत अकड़ो, जो महलों में रहते हैं वो सड़क पर आ जाया करते हैं। और मेरे महावीर कहते हैं, दौलतवान बनो या ना बनो, धनवान बनो या ना बनो, आदमी को गुणवान बनना चाहिए, आदमी को विद्वान बनना चाहिए। ध्यान रख, ये धन सदा रहे, एक लक्ष्मी एक सरस्वती, ध्यान रखना, लक्ष्मीवान मत बनो, सरस्वती पुत्र बनने का प्रयास करिए, क्योंकि हमने कई बड़े बड़े लक्ष्मीवानों को सड़क पे आते देखा है, महल बिक गए, झोपड़ी में आ गए, किराए के मकान में आ गए। लेकिन कभी तुमने ये सुना है, कोई ज्ञानी अज्ञानी हो गया हो, धनवान निर्धन हो सकता है, लेकिन ज्ञानी कभी अज्ञानी नहीं हुआ करता है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, कभी ख्याल करना, लक्ष्मी के चित्र देखना, लक्ष्मी की फोटो देखना, लक्ष्मी हमेशा खड़ी है, सरस्वती की फोटो देखना, सरस्वती हमेशा बैठी है, उसकी खड़ी मूर्ति नहीं मिला करती है। मैंने सोचा ये खड़ी क्यों है और ये बैठी क्यों है, पता चला सरस्वती कहती, लक्ष्मी कहती, देखो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बैठने का टाइम नहीं है, आज तुम्हारे पास हूं, कल किसी और के घर चली जाऊंगी, मैं स्वभाव से चंचला हूं, मैं स्थाई नहीं रहा करती हूं, और मुझे बिठाने की कोशिश मत करना, मैं आऊंगी और देखते ही देखते चली जाऊंगी। कितने चले गए, ध्यान रखना, कितनों की जमीन जा जाते बिक गई मेरे भाई, ये लक्ष्मी का भरोसा है। और सरस्वती कहती, एक बात ध्यान रखो, एक तो मैं जल्दी आती नहीं हूं, और आ गई तो फिर उठ करके कभी जाती नहीं हूं, मैं आ गई तो आ गई, अब तुम्हें छोड़ करके कभी जाने वाली नहीं। कभी देखा महावीर स्वामी अज्ञानी हो गए हो, विवेकानंद अज्ञानी हो गए हो, राम अज्ञानी हो गए हो, हाँ ये बात सुनी है कि धनवान राम वनवासी होते देखा है, लेकिन विद्वान राम को अज्ञान होते कभी नहीं। सरस्वती उपासना की पात्र नहीं, पूजा की पात्र है, विचार करना है। एक बात याद रखना, अहंकार चल तो सकता है पर देख नहीं सकता है, अहंकारी आदमी अंधा हो जाता है, अहंकारी आदमी के नेत्र होने के बाद भी वो अंधा होता है। दुर्योधन के पास आंखें थीं, लेकिन वो हस्तिनापुर का सर्वनाश नहीं देख पा रहा था, अहंकार की पट्टी बंधी हुई थी, ध्यान रखना। रावण के पास आंखें थी, लंका की बर्बादी दिखाई नहीं दे रही थी, कंस के पास आंखें थी, मथुरा का सर्वनाश दिखाई नहीं दे। जो अहंकारी होता है ना, उसे सत्य नहीं दिखाई देता है, वह अपने अहम में डूबता है, वह अपनी जिंदगी को अहंकार में बर्बाद कर दिया करता है। मान्यवर, सोचना है आपको, एक दिन समुंदर ने झरने से बोला, क्यों रे झरने, तू इतना सा झरना ही रहेगा, कभी सागर नहीं बनेगा, कभी समुंदर नहीं बनेगा। झरने ने कहा कि हाथ जोड़कर कहा कि हे उदधि कुमार, हे समुद्र राज, एक बात आपसे बड़ी विनम्रता से कहता हूं, तुमने कहा है कि तू छोटा झरना ही बना रहेगा, सागर नहीं बनना है। उस झरने ने कहा, बड़ा बन के खारा होने से अच्छा छोटा बन के मीठा होना बहुत अच्छा हुआ करता है। तेरे जैसा बड़ा बन के खारा हो जाऊं तो किसके काम आता है, किसकी प्यास बुझाता है, कोई पी ले तो अधर कट जाया करते हैं। ध्यान रखिए, बड़ा होकर खारा नहीं बनना,
छोटा होकर मीठा बनना है। आज छोटे बनने का प्रयास करो, कोई कुछ बोले ठीक है हाथ जोड़ करके, जितने छोटे बनोगे उतने ऊपर उठोगे। ध्यान रखना, अहंकार से शून्य हो जाओ। कभी ख्याल किया आप, समय हो गया, आप चल रहे हैं सड़क पर, विचार करना, माइल स्टोन को देखना, उसमें लिखा है कि मुंबई 50 किलोमीटर दूर है ना, मुंबई के रास्ते पे जाना, वहां कुछ लिखा है ना, वहां कुछ है क्या, मुंबई का शहर है क्या, नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ो, मुंबई 40 किलोमीटर दूर है, दूर है अभी, मुंबई है नहीं, माइलस्टोन में शहर नहीं होता, माइलस्टोन में कुछ होता है और उस कुछ का नाम होता है नाम, अहंकार। ध्यान रखना, आगे बढ़ोगे 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर अभी भी मुंबई नहीं आई है। ध्यान रखना, मुंबई कब आएगी, मुंबई कब आएगी, 1 किलोमीटर पे मुंबई आ जाएगी क्या? लेकिन माइलस्टोन तो हर जगह लगे हैं, वहां मुंबई नहीं, जहां कुछ है वहां कुछ नहीं है, और जहां कुछ नहीं है, जहां जीरो लिखा जाता है वहां शहर हुआ करता है मेरे भाई, जहां शून्य है वहां शहर है, 1 तक शहर नहीं होता है। ध्यान रखना, जब आता है मुंबई जीरो, इसका मतलब मुंबई तुम आ चुके हो, मुंबई पहुंच गए हो। और मेरे महावीर भी कहते हैं, जिस दिन तुम्हारा अंतस्करण अहंकार से जीरो हो जाता है, उस दिन महावीर के दर्शन अपने आप हो जाया करते हैं, पहुंच जाते हैं। अभी तो आप माइलस्टोन में बैठे हैं, अभी शहर में नहीं पहुंचे हैं। जिस दिन अहंकार खत्म हो जाएगा, उस दिन तू खुद महावीर बनकर के दुनिया से विदा हो जाएगा। अहंकार का विसर्जन करो, जीरो का महत्व है माइलस्टोन में, अंकों का कोई महत्व नहीं हुआ करता है। जीरो आते ही लगता है कि हम पहुंच गए, हम आ गए, हमें हमारी मंजिल प्राप्त हो गई। ध्यान रखना, समझना है जिंदगी को, अहंकार से शून्य हो जाइए। जहां अहंकार है वहां परमात्मा नहीं हुआ करता है। मैं तो कहता हूं, तुम्हारे और परमात्मा के बीच यदि कोई दीवार है तो अहंकार की दीवार है। जिस दिन ये दीवार गिर जाती है, उस दिन मैं ही परमात्मा और परमात्मा ही मैं बन जाया करता हूं। उत्तम माधव धर्म है, मुनियों का धर्म है। जिस दिन अकड़ मिट जाएगी, उस दिन सब खत्म हो जाएगा। इसके लिए ध्यान रखना, शून्य कैसे हो गए? आपके घर में टेलीविजन है, टीवी है, देखते हो? है तो महाराज, देखते भी हैं लेकिन कह नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ बैठे हुए हैं। अरे भैया, देखते हो तो देखते हो, क्या प्रॉब्लम है, देखो ना टीवी। मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ क्या देखते हो, ये थोड़ी पूछा हमने, देखते हो या नहीं देखते ये पूछा है ना, क्या देखते हो तुम जानो। ध्यान रखना, आपके पास रिमोट होगा, वो रिमोट का स्विच यदि 40 पर है तो चैनल नंबर 40 चलेगा। ध्यान रखना, जीरो पे कैसे जाओगे, बोलो, जीरो पे कैसे जाओगे? क्रम से जाना है, छलांग नहीं लगाना। कैसे जाओगे, बैक होगे या आगे जाओगे, बोलो? बैक होने पे आओगे, ऐसा नहीं है, आगे भी जाओ तो लास्ट में जीरो ही आएगा। ध्यान रखना, अंतिम चैनल के बाद दबाओ तो क्या आएगा, आगे बढ़ोगे तो भी जीरो है, वो बैक हो जाओगे तो भी जीरो है। एक बात बताइए, जब जीरो को ही पाना है तो लंबी यात्रा क्यों करते हो? आओ बैक हो जाओ, जल्दी से जीरो वापस आ जाएगा, हम शून्य हो जाएंगे, हम जीरो पे पहुंच जाएंगे, अहंकार खत्म हो जाएगा। आपकी टीवी में भी 100 चैनल है और आप 40 पे है, तो 60 वाला रास्ता मत पकड़ो मेरे भाई, 39 वाला रास्ता पकड़ो, जल्दी जिंदगी परमात्मा के काम आ जाएगी। क्यों आगे बढ़ाने का प्रयास? हाँ, करना तो है, करेंगे, देखेंगे, ले लेंगे, दीक्षा ले लो ब्रह्मचारी, ले लेंगे, अभी 60 वाला रास्ता पकड़ेंगे। ध्यान रखना, और 200 चैनल हुए तो निपट गई फाइल। ध्यान रखना, बैक चलो, ध्यान रखना। बैक और आगे चलने का मतलब क्या है, ध्यान रखिए, या तो नकारात्मक में चलिए, नहीं 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 नहीं, क्या आ जाएगा, और क्या आ जाएगा। लंबा कौन सा रास्ता है,
और वाला या ना वाला ध्यान रखिए, और वाला तो बहुत लंबा रास्ता है, 400 चैनल 300 चैनल कितना भटकोगे संसार में, ध्यान रखिए। मैं कहता हूँ यदि अहंकार से बचना है पीछे लौटने का प्रयास करिए। आज आपके पास दौलत है, वो दिन भी याद करना जब कुछ नहीं था, ये पीछे लौटना हो गया ध्यान रखना। आज तुमको उपलब्धि मिली है, कल आपके पास कुछ नहीं था। आज आपके पास नाम है, कल आपके पास नाम नहीं था। आपके पास रूप है, कल आपके पास रूप नहीं था। आपके पास दौलत है, कल आपके पास कुछ नहीं था। तो विचार करिए, और बढ़ा करके शून्य में जाओगे या पीछे लौट करके शून्य में जाओगे। ए इंसान, कितनी भी उपलब्धियां पैदा कर ले, अपने अतीत और औकात को कभी नहीं भूलना चाहिए। ध्यान रखना हमारा अतीत क्या था और हमारी औकात क्या थी। ध्यान जो याद रखेगा वो अहंकार से दूर रहेगा। अकड़ता है आदमी, विचार करना है। सपने देखे कभी? एक कच्चा अहंकार होता है, एक पक्का अहंकार होता है। एक कच्चा मैं होता है, एक पक्का मैं होता है। जानते हो कच्चा पक्का क्या होता है? नहीं जानते? कभी स्वप्न देखे? बोलो बोलो, आज तक नहीं आए? आए होंगे ना स्वप्न। और एक मजे की बात है, ऐसा कोई भी स्वप्न नहीं होगा जिसमें तुम दिखाई नहीं देते हो। है कोई स्वप्न ऐसा कभी आया जिसमें तुम, तुम्हारी कोई भूमिका नहीं, तुम उसमें नहीं हो? अपने सपनों में अपन ही होते हैं ना। आज मेरे साथ ये दिखा सपने में, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज वहां से गिर गया, आज वहां से उठ गया, आज मेरे पीछे चोर लगे, आज मुझे डर लगा, मैं ही तो दिखता हूं ना सपने में। ध्यान रखिए, सपना ऐसा कोई भी नहीं आएगा आपको जिसमें तुम ना हो। ध्यान रखिए, अब तुम दो हो गए, एक देखने वाला और एक दिखने वाला। ध्यान रखना, सपने में तुम खड़े हो और हकीकत में तो तुम पड़े हो। ध्यान, सपने में दौड़ते हो, खड़े होते हो, चलते हो, चलते हो। जब सपने में खड़े हो वो हकीकत में क्या हो? तुम पड़े हो। दो हो गए ना तुम, एक तुम और एक सपना, दो पुरुष हो गए, एक हकीकत का पुरुष, एक स्वप्न का पुरुष। ये संसार सिवा स्वप्न के पुरुष के अलावा कुछ नहीं हुआ करता है। हकीकत का पुरुष तो हम सभी हैं, हकीकत के तो हम सब हैं। जितना भी अहंकार है वह स्वप्न के समान है, सपना है और कुछ नहीं है। ये दौलत, ये माया, ये संपदा, ये रूप, ये सौंदर्य, ये सब सपना है, स्वप्न पुरुष है। ये मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, सपना है। ध्यान रखना, हकीकत में तुम अलग हो। और एक बात याद रखना, जो दिखता है वह पुरुष सबको दिखता है, जो नहीं दिखता वो खुद को भी नहीं दिखता है। ध्यान रखना, कैसा जिंदगी की पहेली है। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को